हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला हमीरपुर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अजमेर सिंह ठाकुर ने की। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनः हिमाचल सरकार व परिवहन मंत्री से पेंशन के बजट में स्थायी समाधान करने की मांग की गई। हिमाचल सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 21% अंतरिम राहत जारी की जा चुकी है, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांग की है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक 10% महंगाई भत्ता सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिससे जल्द से जल्द सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाए। अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक ना ही GPF मिला है और ना ही पेंशन मिली है। उन्होंने इस विषय पर MD से चर्चा की तो उन्होंने इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आपके ड्यूज जो है ग्रेस्टी और लीव इनकैशमेंट और GPF है या पेंशन है, पेंशन कंप्यूट है, कोई भी मतलब लाभ नहीं दिए गए हैं। तो उनके लिए हमारी बैठक भी हुई है MD के साथ 3/11/2018 को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में मैं भी गया था, तो उसमें MD ने कहा कि इस मामले को जो है 31 दिसंबर तक जो है जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाएगा। आश्वासन दिया है, मगर हमें आस नहीं है कि जल्दी इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 3-3 साल से लोगों का पैसा नहीं दिया गया, तो 2 महीने में कैसे हो जाएगा। और अगर करते हैं तो हम तो सरकार उसके प्रबंधन के जो है धन्यवादी रहेंगे कि इन लोगों को जो समय पर पैसा दिया जाए। तो कश्मीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने में असफल रही है, जिसकी वजह से घर खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन दी जाए। जो नसब करे वो जैसे 31 दिसंबर 2018 खत्म हो रहा है, तो इसमें जितने भी नौजवान पीढ़ी या मेरे भाई बुजुर्ग हैं, तो जितने भी नशे करते हैं या सिगरेट बीड़ी या कोई चिट्टा को भंग वगैरह, इसको 2018 में ही सभी के समय अनुरोध है देशवासियों से कि जितना भी नशा है उसको छोड़ दें और अपनी घर का, अपनी सेहत का, अपने परिवार का, अपने इलाके का ख्याल रखें। और कोई भी नशा करता हुआ पकड़ जाता है तो पुलिस की सहायता करके, पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस उसको खुद ले जाएगी। तो इसमें नशा निवारण के लिए मैं कहता हूँ। बाकी पेंशन के लिए तो हमने कई बार कहा है, सरकार सुनती नहीं है। कभी 7 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी आगे, कभी पीछे। तो अब बोल बोल तो हम थक गए हैं। अब सरकार से और मंत्री से ये अनुरोध है कि कांग्रेस सरकार ने तो जैसा किया वैसे ही आपका चल रहा है अभी ना। हमारे बाकी वित्तीय लाभ मिले हैं, जो रिटायर हुए उनको भी कुछ नहीं मिला अभी तक। बाकी अपने प्रधान जी जो है वो अपने ख्याल रखें। नंदलाल ने बताया कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्त हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी की थी और अब प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही है। उन्होंने हमीरपुर के विधायकों से आह्वान किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता के साथ सत्र में उठाया जाए। मीटिंग का ये था कि लोगों को 1 वर्ष हो गया रिटायर हुए, किसी को ना पेंशन, ना लीव इनकैशमेंट, ना ग्रेच्युटी, कुछ भी नहीं मिला। मतलब यही हाल कांग्रेस सरकार का था और यही हाल इस सरकार का। सरकार हर बार बड़े 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 वादे करती है, पेपर में बड़े बड़े पैसे देती है, मिलता कुछ ग्राउंड पे कुछ मिलता ही नहीं। उससे विशेष अनुरोध रहेगा वो कम से कम मतलब सरकार का ध्यान उस इस ओर खींचे कि इनका जो पैसा है या इनकी जो लीव इन कैशमेंट है, फंड है, उनको तुरंत रिलीज किया जाए। और स्थानीय विधायक यहाँ के जो जितने हमीरपुर जिला के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी इस मामले को इस सत्र में उठाएं, विधानसभा में उठाएं कि इनका स्थायी समाधान किया जाए, पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। और दूसरे इम्प्लाइजों की तरह इसका भी इनके लिए भी नीति बनाई जाए, 3 महीने में 4 महीने में इसको पूरा पेट किया जाए। ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं सरकार से। नहीं तो हम क्या समझेंगे वो कांग्रेस और BJP वाली सरकार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है।